देखिए जितनी भी पार्टिकल वेव है, ठीक है, वो स्मॉल अगर मास रखती है तो वो वेव नेचर के लिए कहलाती है। गलत बोल रहा हूँ मैं, तरीके से ऐसे समझिए आप। स्मॉल पार्टिकल जो है, स्मॉल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा बीटा पार्टिकल जो भी है, ये वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल वेव भी नेचर रखते हैं। तो इसलिए डी ब्रोगली का जो थ्योरी कहलाती है, ये कहता है स्मॉल पार्टिकल, लिखिए यहां पर स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटम्स हैव ड्यूल नेचर, हैव ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब दे आर पार्टिकल एज वेल एज दे आर वेव। ये हमारे को उसने बताया, किसने? डी ब्रोगली ने। तो यानी पार्टिकल तो है लेकिन वेव भी है, तो ठीक है। तो अगर वेव है तो उनका लैम्डा भी होगा, बोलो यस और नो। तो उनका मूवमेंट कैसा होगा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। ये ऐसे पार्टिकल है जिनको आंखों से अभी तक देख नहीं पाए हम, सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल को देख पाए। उनका मूवमेंट ऐसा होगा, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक वेव इज लाइक वेव। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ पार्टिकल वेव वो होगा आपके पास, लैम्डा की वैल्यू होगी एच अपॉन पी, पी का मतलब मोमेंटम है, यानी एच अपॉन एम वी। दूसरा पॉइंट, यानी एच अपॉन एम वी। थर्ड, हमने उसे पूछा, किससे पूछा? ऑब्वियसली डी ब्रोगली किसे पूछा कि आप ये लैम्डा की वैल्यू कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतना स्मॉल छोटा पार्टिकल है कि हम तो देख ही नहीं सकते इसको, तो हम आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लें कि आप सही हो? उसने कहा देखिए मैंने दो थ्योरी को मिलाई है, एक आप जानते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है बाय आइंस्टाइन। मैंने कहा हाँ पक्का। तो स्मॉल पार्टिकल के लिए दोनों चीज को मिला दिया, ई आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी, तो ये आइंस्टाइन और ई प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। मैंने कहा हाँ सही है। तो हम दोनों ने मिला दिया, आइंस्टाइन ने क्या बोला और प्लांक ने क्या बोला, उन दोनों थ्योरी को मिलाया। तो ये तो हो गया हमारे लिए छोटे पार्टिकल के लिए एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एच वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच अपॉन एम वी, क्योंकि ये दोनों की तरह से यूज कर रहा है, एज ए पार्टिकल भी और वेव भी है, तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन से हमने निकाल दिया। फिर भी मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं करा, मैंने कहा दोनों अलग अलग रास्ते हैं, आप कैसे मिला सकते हो, कोरिलेट कैसे कर सकते हो, हम आपकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप हमारी बात पे विश्वास ना करो, लेकिन मैं एक डेरिवेशन दे रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। मैंने कहा ठीक है बताओ कैसे। उसने कहा कि इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट इन एंथ शेल में रोटेट कर रहा है, देन टोटल लैम्डा, यानी टोटल लैम्डा आर, यानी कितनी वेव आर, एन एन ही होगा, मतलब अगर एन के अंदर रोटेट कर रहा है तो देखिए वन टू थ्री फोर,
6, तो यहां n की वैल्यू क्या होगी, 6, यानी ये जितनी लैम्डा होगी उतना ही n की वैल्यू होगी। मैंने कहा अगर क्रॉस कर रहा है, सपोज पूरी कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसने कहा वो पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि लैम्डा भी क्वांटाइज्ड है, उसने कहा हाँ, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है लैम्डा की। तो अगला पॉइंट, इससे मैंने कहा इससे क्या बात पता चलती है, उसने कहा कैसे नहीं पता चलती, इसी के अंदर आप बोल सकते हो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मैंने कहा 2πr, उसने कहा सही है 2πr, 2πr करता है डिस्टेंस, और मान लीजिए n की वैल्यू n है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी लैम्डा, अप्रोक्सीमेट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके n लैम्डा डिस्टेंस हो जाएगा, तो n लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई, 2πr। थर्ड, हमने क्या बोला पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हाँ, तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, लैम्डा की वैल्यू वहां रखाइए, तो 2πr बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एच लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मैं एन की वैल्यू तो एन लिख देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी, और एम वी को उधर ले जाता हूँ, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2π, तो डेराइव हो गया। अगर मैं गलत हूँ तो आप बोर को भी गलत मानो और उसे नोबेल प्राइज ले लो, ठीक है ना, और अगर नोबेल प्राइज उसको दे रहे हो तो एक मेरे को भी दो, मेरे भी घर पे रखूँगा। तो कुल मिला के एक दूसरे से कोरिलेट है, उसने डेराइव कर दिया, तो हमने फाइनली उसकी बात को मानना हमारे लिए ज़रूरत हो गई, मजबूरी भी हो गई कि हम इसको भी मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसने ये डेराइव कर दिया एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। सही मायने में तो मुझसे पूछा जाए तो इसने इसी से उल्टा चल के रिलेशन निकाला होगा, सारे फर्जी होते हैं, ठीक है, यस और नो, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो आज से हमारे लिए लैम्डा बकायदा ये होगा कि जिस सरकमफेरेंस में घूम रहा है उतने ही वो लैम्डा कंप्लीट करेगा, अगर फोर्थ में घूम रहा है तो 4, 5 में घूम रहा है तो 5, और 10 में घूम रहा है तो 10 लैम्डा कंप्लीट करेगा। बोलो करेगा या नहीं करेगा। तो क्या हमारे पास एक और रिजल्ट बन सकता है, फोर्थ नंबर का रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहेगा, एन वन अपॉन एन टू, सुनिए एक मिनट, क्या लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, हाँ या ना, अलग अलग ऑर्बिट में लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी या नहीं होगी, होगी, यस और नो। तो मुझे ये बताइए एन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, एन लैम्डा की वैल्यू बताइए, 2πr, बोलो हाँ या ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr अपॉन एन, हाँ या ना, आर की वैल्यू क्या है, 2πr, आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड, इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 2πr की वैल्यू एन स्क्वायर बाई जेड के प्रपोर्शनेट है, इक्वल नहीं है, प्रपोर्शनेट है, तो मैंने अब ये प्रपोर्शनेट कर दिया। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, अगला पॉइंट इसमें ये बनेगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू एन वन अपॉन एन टू रहेगा या एन टू अपॉन एन वन रहेगा, एन वन अपॉन एन टू, क्योंकि ये एन से एन क्रॉस हो जाएगा, यस और नो, बोलो क्लियर है, और एन वन अपॉन एन टू आप बता सकते हो, एन वन अपॉन एन टू सेम जेड के लिए, जेड सेम है, वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ क्या होता है, आई थिंक आप समझ सकते हो कि एन वन एन टू मेरे लिए हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू, रनाज होता है ना एन स्क्वायर बाई जेड, बोलो यस और नो। तो अगला क्या हो जाएगा हमारे लिए, वी वन और वी टू में क्या रिलेशन हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन, क्या ये रिलेशन सही लिख दिया,
तो ये लिखा जाता है लखोटिया कॉन्सेप्ट। क्या लिखा जाता है? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो आप इन दोनों को कर सकते हो। कई बार अचानक एकदम से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अब इसके इस पे क्वेश्चन बनेंगे। मैं इजी क्वेश्चन जो बना सकता हूं वो तो बहुत आसानी से बना सकता हूं। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू ऑर्बिट इज 9:1, 9:1, देन फाइंड वॉट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेम ऑर्बिटल्स। तो किसी बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, क्या कहा है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी? R1 R2। आपका आंसर आ जाएगा। या सुनो, तो ये आपके पास बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका उल्टा एग्जाम्पल दे दिया जाए। अगर आपसे कहा जाए लैम्डा 1 लैम्डा 2 3:1 है, 3:1 है, तो R1:R2 क्या होगा? सबको स्क्वायर करना पड़ेगा पूरा। फिर तो लैम्डा 1 स्क्वायर बाय लैम्डा 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज 5:3 इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा। तो आपका आंसर क्या होगा? 25:9। अच्छा, वापिस वही दे दिया। रेडियस की जगह वेवलेंथ डाल देते हैं और फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। अब सही है, नहीं तो अदरवाइज रूट आता और रूट हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते। कभी फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है या 2 रेडियस की? नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो जाता। करें, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हेडिंग डलेगा कैलकुलेशंस ऑफ लैम्डा, कैलकुलेशंस ऑफ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेट बाय बाय एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, या एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं, एक्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस। ये एक टॉपिक बना दिया मैंने एग्जाम्पल को। कैसे ये थ्योरी जनरेट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक्स वोल्ट लगा हुआ है यहां पर, एक्स वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट किया जा रहा है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जल्दी से बताएं।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? एनर्जी की वैल्यू होती है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है, वो होती है यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, क्यू की वैल्यू ई और एनर्जी की वैल्यू कितनी है एक्स। ये एक्स स्मॉल ले लो आप, यूनिट क्या बनेगी वोल्ट, लेकिन ये ई और वी मिलके क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ई को कूलाम में रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा जूल, इसीलिए मैं ई को जब भी कूलाम में रखता हूँ यहाँ पर जूल आ जाता है, और नहीं रखता हूँ वन रखता हूँ ई को, तो आंसर क्या बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की, बोलो यस और नो। लेकिन अभी भी लैम्डा तो नहीं है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू आपके पास आता है डी ब्रोगली से एच अपॉन एम वी, बोलो यस और नो, आप भी इंटेलिजेंट हो। थोड़े थोड़े से एक काम करो, क्या करोगे एम वी स्क्वायर करना है, वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा के लिए निकलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, एच वी, वी यहां पर क्या है वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर हाफ भी आएगा ई। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मुझे ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वी आएगा फिर वी नहीं मालूम, एम आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैंने क्या करा एक और तरीका सोचा, एच इक्वल लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस, नहीं ट्वाइस नहीं, एम स्क्वायर बाय वी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप मेरी मैथ्स को देखो बस, पक्का, तो मैं इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एच अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, यानी मैं इसको एक काम और करूँगा ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बात एक ही है, अभी तक मैं गलत हूँ क्या, तो आगे भी नहीं होऊंगा मैं, तो एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई, एम लिख दिया और हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ई एनर्जी, यहां ई क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया लैम्डा इक्वल टू दिस। तो दो चीजें रिजल्ट आए हैं आपके पास, एक रिजल्ट ये एम वी की जगह जहां पर भी एम वी आ रहा है वहां अंडर रूट ट्वाइस एम ई लिख सकते हो, और इसको पी भी लिख सकते हो, यानी पी इक्वल टू ट्वाइस एम ई होता है। तो ये रिजल्ट समझ में आया या नहीं आया आपको, जब भी पी आ रहा है पी का मतलब मोमेंटम, पी को एम वी लिख सकते हो और एम वी की जगह ट्वाइस एम ई लिख सकते हैं। अब हमारा काम तो अभी भी नहीं हुआ, तो लैम्डा इक्वल टू एच ट्वाइस एम ई, इलेक्ट्रॉन के लिए एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10^-31, क्या मैंने सही लिखा, केजी में रखना जरूरी है, बोलो यस और नो, एच की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, जूल सेकेंड, और अब बचा कौन एनर्जी, एनर्जी क्या है आपके पास एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना 1.6 × 10^-90, कुछ कुछ समझ में आया, जब आप ये सब कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 150 अप्रोक्सीमेट, बात बराबर, ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है
अपॉन एक्स, अपॉन एक्स इंटू 10 पावर -10 बचेगा मीटर, ये बचेगा आपका। तो फिर मैंने क्या करा, फाइनली एक नया रिजल्ट दे दिया और वो ये था कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन 150 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबें इसको इस तरह से भी लिख देती है, एंगस्ट्रॉम में तो चेंज कराई, कुछ इसको 150 अपॉन वी लिख देती है, क्योंकि अगर एक्स नहीं माना होता शुरुआत में, वी वोल्ट मान लिया होता तो एक्स की जगह क्या दिखता आपको, वी। कुछ बुक्स इसको 150 अपॉन ई लिख देती है, वो ये कहती है कि अगर वी वोल्ट है तो उसकी एनर्जी भी वी ही रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लक्षण भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वी लिखे ई लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ एक्स का मतलब क्या है, वी वोल्ट, एक्स या वी का मतलब क्या है, वोल्टेज, वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। इन वोल्ट, और जब पोटेंशियल डिफरेंस एक्स होगा तो एनर्जी क्या होती है, ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी को एक्स या वी, तो बात एक ही हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का अगर 10 वोल्ट से एक्सेलेरेट किया जाए तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, 10 वोल्ट। तो बस अंतर ये कि एक्स लिखते वक्त यहाँ वोल्ट लगेगा, यहाँ वोल्ट लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। कुछ समझ में आई, अंदर से फील आ रही है, ये आपके लिए। लेकिन सबसे बड़ा की पॉइंट, ये लैम्डा वाला जो 150 वाला, ये किसके लिए लगेगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए या किसी के, सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ जो मास रखा है वो ये रखा है। बोलो कुछ समझ में आया तुम्हारे को, आ रहा है समझ में? तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अगर यहां पर ये उतार लिया था आपने एक लाइन बस, फिर सेम डेफिनेशन रहेगी, आप अपना आईक्यू लगाना, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा, ऑफ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विच इज एक्सेलरेट बाय वी वोल्ट, वी वोल्ट ही लिख देता हूं मैं, वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने इस बार प्रोटॉन को एक्सेलेरेट किया तो लैम्डा पी की वैल्यू क्या होगी। बाकी सारी चीजें तो वही थी, सिर्फ मास ही चेंज हुआ था। बोलो हुआ था या नहीं हुआ था? तो अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एच ट्राइस हेमी, मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले फिर लिख लेना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन ई तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1840, इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास, ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, जो भी एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है, कोई दिक्कत आ रही है समझने में बच्चों? नहीं आ रही है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं, क्योंकि प्रोटॉन का भी यहां पर एनर्जी कितनी होगी, वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
उसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है, पी पे प्लस वन, तो वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, या एक्स वोल्ट से कर रहे हो तो एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। प्रोटॉन के ऊपर भी प्लस वन यूनिट का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे बस माइनस वन का, साइन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। बस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्या लगता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो भी फर्क खत्म। लिखे, आप सोच होंगे सर मास ज्यादा है प्रोटॉन का तो उसकी एनर्जी अलग होनी चाहिए। एनर्जी यहां से यहां निकाली जाती है क्यू वी से, तो क्यू दोनों पे सेम है, वोल्टेज डिफरेंस दोनों का सेम है, तो एनर्जी भी सेम होगी। बस अंतर ये होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर की दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? नहीं है, लिखें। नहीं, एक्सेलेरेट कर रहा है ये, यहाँ वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है उसको एक्सेलेरेट कर रहा है, अभी तो वो न्यूट्रल खड़ा हुआ है, तो जितना पोटेंशियल लगाओगे उतनी उसकी एनर्जी हो जाएगी, तो ये एक्सेलेरेट का काम कर रहेगा, ये कोई स्टॉपिंग नहीं है। स्टॉपिंग क्या होता है मालूम है, कोई पहले से मूव कर रहा हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, समझ में आ रही है? तो ये सब चीजों को अपन करेंगे, अभी एक लाइन और कर लेते हैं, स्टॉप वो वाला कंसेप्ट जो आपका है वो भी मैं करा दूंगा। देखो पहले यहां एक्स वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने अल्फा लगा दिया, तब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर वही होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एमी। बोलो या सुनो, लेकिन आप मेरे को बताइए अगर वी वोल्ट या एक्स वोल्ट से एक्सेलेरेट किया अल्फा पार्टिकल जो कि एच ई प्लस टू है, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी, क्यू की वैल्यू कितनी नहीं है जल्दी से बोलो, टू, और वी की वैल्यू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां हमारे पास दो बातें होंगी, एच ट्वाइस एमी, ट्वाइस एमी की जगह यहां पर एम जो मास है वो अल्फा पार्टिकल का, और इसको मैं लिख सकता हूँ फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास लिख सकता हूँ 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू यहाँ पर टू एक्स आ जाएगा, एक्स वोल्ट से कर रहे हो इसलिए, वी से कर रहे होते तो वी आ जाता, तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा, एच अपॉन फॉर्मूला वही, बाकी सारी चीजें तो आप कर ही चुके हो, तो 150 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, 4 और 2 8, ये चीजें एक्स्ट्रा, ये जो पहले नहीं थी, बाकी सब चीजें तो आपके पास आ ही जाएगी। एक्स वोल्ट में रखना है, अगर ई लिख देता हूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, एंगस्ट्रम। सही है? तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, आपने तीन पॉइंट कर लिए। हाँ बेटा, अरे बिल्कुल, इसको तो भूल ही गए हम, कैसे भूल सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1840। तो अगर यहां एक और बन सकता है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सलेट विद सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज, देन फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा डी ब्रोगली, तो आपका आंसर क्या होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा अल्फा पार्टिकल, इसके इक्वल होगा 1:1
सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर अल्फा पार्टिकल का सबसे कम। लिखें इसको, हम देखते हैं। देखिए एक और पॉइंट आ रहा है कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझना। अब इसके ऊपर 5 वोल्ट का लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये नहीं बताया एग्जामिनर ने कि सेम डायरेक्शन में उसके मूवमेंट में लगाया यानी या अपोजिट। अपोजिट को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया या एक्सेलरेट पोटेंशियल लगाया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बताइए लैम्डा क्या होगा? तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा इस पॉइंट्स को समझते हैं। एक क्वेश्चन बनाते वक्त उसके दिमाग में रहेगा, इफ ए इलेक्ट्रॉन मूव्स या मूविंग विद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इफ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रॉन देन फाइंड ऑल पॉसिबल लैम्डा डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल चॉइस का हो जाएगा, एग्जाम्पल अच्छा बनेगा, मोर देन वन, ए बी सी डी, समझ गए ना? आंसर ऐसे के कितने होंगे? 2 होंगे। तो फर्स्ट, इफ 5 वोल्ट इज एक्सेलरेट एक्सेलरेट पोटेंशियल डिफरेंस देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 10 तो थी, 10 और 5 कितनी हो जाएगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। या सुनो, तो जब 15 हो जाएगी तो उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 150/15 √10, √10 की वैल्यू होती है 3.14 एंगस्ट्रम अप्रोक्सीमेट। खत्म बात। लगभग लगभग √10 की वैल्यू पाई के बराबर आती है, 3.14। तो ये आपका आंसर हो गया एक। दूसरा सॉल्यूशन, इफ 5 वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आपके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150/V, जो होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है जगह 10 की जगह 5 आ जाएगा, तो √30। तो कितनी वैल्यू होगी? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.732, मल्टीप्लाई कर देना 3, या √30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्वेंटी की तो मुझे मालूम थी 4.42 होती है, लेकिन 30 की याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, 5.4 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे हो सकते हैं। लिखें इसको, एनर्जी से रिलेटेड ही मैं और बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है,
प्रोटॉन है, और कुछ भी मैंने दे दिया न्यूट्रॉन है। कंसेप्ट है, अब इसको कंसेप्ट ही समझे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है। एक होता है एनर्जी का फॉर्मूला, क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। एक और लगता है, आप जानते हो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई, बोलो हाँ या ना। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट ई की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम, या ई की वैल्यू एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्या पता चलता है, अगर एम सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम के, ध्यान से सुनना। और अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वन बाई एम के। अंतर दिख रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी एम के प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, इन्वर्सली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या चीज दे रखी है। तो दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देन ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ देम, तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की होगी, प्रोटॉन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सबकी बराबर दे रखी, तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो इस जगह आपके लिए काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम के, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है। और दूसरी तरफ एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, वो जानता है हर बच्चा कर लेगा, वो थोड़ा सा चेंज करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, एल ई एन जी टी एच आपके पास, देन फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा। आपका आंसर क्या होगा या सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस जगह काइनेटिक एनर्जी इस जगह प्रोपोर्शनल वन बाई एम आ जाएगी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जब लैम्डा सेम होता है तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एम के, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो जब काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की सबसे कम थी अब सबसे ज्यादा होगी। कोई दिक्कत, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, आप अप्रोक्सीमेट सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जब बात थोड़ा सा ज्यादा की है तो हमें तो ऑर्डर ही बताना है, आ रहा है बात समझ में, समझ में। हाँ ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट से एक लास्ट पॉइंट हमारे पास,
इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी की पॉइंट पे है, की पॉइंट। काइन लैम्डा ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल आप यही लगाओगे एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल हो गया फॉर्मूला तो सब जगह ये रहेगा, लेकिन यहाँ एनर्जी की वैल्यू यानी काइनेटिक ई, ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गैसेस में आप पढ़ोगे मेरे से 3/2 RT होता है, क्या होता है 3/2 RT एक मॉलिक्यूल के लिए, कितना निकाला ये 1 मोल के लिए होता है तो डिवाइडेड बाय Na, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला आपको गैसेस स्टेट में पढ़ाऊंगा कि 3/2 RT होता है, आपको बस करना क्या है 3/2 RT 1 मोल के लिए होता है, आपको एक मॉलिक्यूल की रखनी है क्योंकि यहां पूरा लैम्डा एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो Na का डिवाइड करना ना भूलें, बाकी आप रख दीजिएगा। टी यहां टेम्परेचर कैलविन में रखेंगे, आर की वैल्यू यहां पर जूल वाली रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर कैलविन, टेम्परेचर तो कैलविन में रखोगे आप। टी यहां पर क्या है टेम्परेचर इन कैलविन, अच्छे से क्लियर है पक्का, बाकी सब चीजें धीरे धीरे आपको मालूम होगी। चलिए ठीक है, तो पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR, तो दोनों का मूवमेंट सेम होता है, मूवमेंट इनका भी सेम होता है और इनका भी इस तरह से ही होता है, इसीलिए तो हम वेव बोल रहे हैं दोनों को। तो ये तो रहा मूवमेंट, मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर है इनमें लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन एम वी, फॉर्मूला अलग है, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, इसमें लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन ई, एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा हमारे पास ई हो गया, तो ये होगा हमारे पास दस, समझ में आ रहा है थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। इसके अंदर लैम्डा पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करेगा, या इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट एच अपॉन ट्वाइस एम ई, यहां लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, हर एक के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा 150 अपॉन ई एंगस्ट्रम, ये हमारे पास रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दो लैम्डा के लिए लैम्डा ई, दो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का रेशियो ई टू अपॉन ई वन रहेगा फॉर इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो कोई फर्क नहीं है, बाकी तो सब कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, सिर्फ ये रेशियो, ये क्वांटिटी चेंज होती है अलग अलग पार्टिकल के लिए, बाकी ये चीज रहेगा उल्टा। जबकि यहां आपके पास लैम्डा की वैल्यू होती है कोई भी रेडिएशन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होगी 12400 अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये अंगस्ट्रम में आएगा आपके पास लैम्डा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां पर इक्वल लगा के अंगस्ट्रम में ये लिखेंगे और यहां अंगस्ट्रम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा डेल्टा ई आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, हम डेल्टा ई लगा रहे तो वो ई का मतलब वहां पर कोई फील दे रहा है, ठीक है, या एनर्जी ऑफ फोटोन भी आ सकता है। तो डेल्टा ई कब लगाते हैं, जब दो शेल की बात कर रहे हैं, और जब सिर्फ फोटोन की बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या लिखा रहे हैं, बात करते होते ई लिख रहे होते हैं, फोटोन की एनर्जी
डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शेल की एनर्जी डिफरेंस होता है, शेल या ऑर्बिट, ठीक है बोलो यस। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अंगस्ट्रम में है, बस यहां पर भी अंगस्ट्रम में, तो यहां जो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू होगा वो ई टू अपॉन ई वन होगा, जबकि वहां रूट था, यहां रूट नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रो पार्टिकल वेव, अगर आप बात कर रहे हो पार्टिकल वेव की, तो इनमें मास होता है, सबसे पहले ही बात तो, दे हैव मास, ये तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, दे हैव मास, दे हैव मास। और मास रखने वाले पार्टिकल कौन से? अल्फा, बीटा, गामा मास नहीं होता, तो वो क्या होगा, कहाँ आएगा? दे डू नॉट हैव मास, रेस्ट मास। इनका रेस्ट मास कितना हो जाता है? जीरो। तो गामा यहां आएगा, अल्फा बीटा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक्सरेज यहां आएगा, गामा यहां आएगा, एक्सरे यहां आएगा, यूवी यहां आएगा, इंफ्रारेड यहां आएगा, विजिबल यहां आएगा, रेडियो वेव्स यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, प्रोटॉन यहां आएगा, न्यूट्रॉन यहां आएगा। इनमें कोई चार्ज हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी पार्टिकल यहां आ जाएगा, पार्टिकल में एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अच्छे समझ में आ गया? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है। बोलो क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन सब जगह लगता है, ये बात दिमाग में रखना। तो फोटोन से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके पास यहां पर जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा उसमें तीन तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक फोटोन एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, बस। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन को लगाते हैं, बाकी सब आप मेरे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। रहा है और बी आर टू पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और यही स्लो स्टेप है, स्लो को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी आरडीएस कहते हैं। इसके लिए पर मोल पे इतनी एनर्जी दी गई है हमें। आगे बी आर डॉट एच टू के साथ रिएक्शन करके एच बी आर और एच डॉट बनाता है, ये एच डॉट बचे हुए बी आर डॉट के साथ रिएक्शन करके एच बी आर बनाता है। ये सब कहानी हमें देखनी होती है इस क्वेश्चन में। तो रिएक्शन कौन सी स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस क्वेश्चन में। तो क्या आप इसके लिए जो फोटोन है वो एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी के बराबर कर ले तो आपका काम हो जाएगा? यानी कि आंसर आपको कैसे निकलेगा, फोटोन एनर्जी इसको क्या करके बराबर कर देंगे, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल पे काम करता है। तो फोटोन एनर्जी आपके पास कितनी है, एच सी बाय लैम्डा, और बॉन्ड एनर्जी कितना दिया गया है, 192 किलो जूल, किलो जूल को जूल में चेंज कर दिया, और एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो एन ए का डिवाइड भी कर दिया, कर सकते हो। अब वैल्यूज रख दो आप, एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻¹¹ सी की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू आपको मीटर में मिलेगी, ध्यान रखना है यहाँ पर सब एमकेएस में कर रहे हो, 192 × 10³ एन ए, अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10³³। तो ये सब करने के बाद आपको लैम्डा मीटर में मिल जाएगा, मीटर में, जिसको आपको अंगस्ट्रम में चेंज करना पड़ेगा, उस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा जिसमें आपको नीचे ऑप्शन दिए गए। कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा? तो ये आपके पास छोटा सा एग्जाम्पल हो गया
एक। दूसरी चीज, दूसरा चीज जो मुझे समझ में आ रहा है यहां पर कि क्या हम इसको और तरीके से मेथड कर सकते थे, सेकंड सॉल्यूशन। कैसे देखेंगे सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास? हमने सेकंड सॉल्यूशन करते वक्त ये देखा कि हमें एनर्जी कितनी दी गई थी, बॉन्ड एनर्जी 192 किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज करना है तो 96.6 का डिवाइड कर दो, तो सीधा ये किलो जूल पर मोल से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा या पर मॉलिक्यूल आ जाएगा। आ गया। फिर उसके बाद इसको 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दो, लैम्डा सीधा अंगस्टन में आ जाएगा, तो ये नाना करते हुए भी लगभग दो बार कटेगा, बिल्कुल सीधा सीधा सा दे रखा है, तो दो बार कटेगा, तो लैम्डा जो अंगस्टन में आपके पास आ रहा है ये अंगस्टन में आएगा, ये सीधा दो से कटा तो कितना आया, 6200 अंगस्टन, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इससे लगे। तो आप कर सकते हैं, ईजी है, करिए। करना था, मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, बनाते जाइए, एग्जांपल ही है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस ये, इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपको इस जगह, कितना दिया है इसके पास, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है किसी ऑर्बिट में, हमें नहीं मालूम वो कौन सा ऑर्बिट है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये इस समय 3.4 है, इसका मतलब आप मेरे को बता सकते हो ये ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। हमें एक फोटोन दिया गया है जिसकी लैम्डा दी गई है 1240 अंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्या दी गई है, 1240 अंगस्ट्रॉम। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इसका भी एक वेव पाथ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता लगाना है, तो आपके पास पूरे 20 सेकेंड है, आप करिए इसको। क्या दिया था, लैम्डा दिया था, तो आप ये लैम्डा किसका था, फोटोन का, तो फोटोन वाला फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा आप इस जगह, फोटोन वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, फोटोन वाला फॉर्मूले से एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी आपके पास होगी 12400 डिवाइडेड बाय, एनर्जी निकालने के लिए 12400 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू भी मैंने कुछ इस तरह से देखी दी है आपको, कितना दिया है मैंने 1240, तो इसका मतलब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बोलो क्लियर है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां टकराया इलेक्ट्रॉन के, समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे है पोटेंशियल एनर्जी से मतलब, और इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड में, तो कितना आ रहा है 3.4, पोटेंशियल नहीं चाहिए मुझे, टोटल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल भी नहीं चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, और टोटल एनर्जी कितनी है 3.4, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है कि इसको 3.4 को जीरो बनाने के लिए यानी बाहर ले जाने के लिए, वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है, तो बाइंडिंग एनर्जी जिसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो, फाई भी बोलते हो, वो मैग्नीट्यूड होता है किसके लिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 3.4 बाइंडिंग एनर्जी, बोलो यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन की, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकेंड आपके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, फोटोन एनर्जी 10 माइनस 3.4 और ये आपके पास आ जाएगा 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो माइनस का ध्यान रखें, जल्दीबाजी में माइनस में भी पब्लिक गलत कर देती है, तो 3.4 सॉरी 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा निकालना है, और इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का फॉर्मूला आपके पास है 150 अपॉन ई, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है आपको, और आपके पास बाय लक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो 150 अपॉन 6.6 अंगस्ट्रम में आएगा। तो आप देख लीजिए कितने बार कट रहा है ये, भाई सिंपल सिंपल सा है, अगर 3 से काटेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 50 अपॉन 2.2, 1 से और काट लीजिए 25, 1.1, तो ये 25 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 5 अंगस्ट्रम के समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट, या आप इसको इसको ऐसे कर सकते हैं 4.9 अंगस्ट्रम, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो आपको कहाँ लेना है वो भी आप देख लीजिएगा थर्ड नंबर के स्टेप से। तो ये बहुत इजी है लैम्डा निकालना आपके लिए, तो करिए आप इस सबको। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 195 यानी 195 किलो जूल पर मोल, और इसके ऊपर जो फोटोन आया है, फोटोन टकराया है, उसकी लैम्डा दी गई है आपको 4000 अंगस्ट्रम। कुछ समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो HH के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, वो टूट जाएगा और 2H बनाएगा, और हमें हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले आप ये बताइए, सॉल्यूशन करते वक्त आप इसमें क्या करेंगे, आप बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी जल्दी से बताएं, 195 किलो जूल पर मोल, या फिर आप एक काम करें 195 अपॉन 96.6 का डिवाइड कर दीजिए लगभग, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 2 के आसपास ही आएगा, ठीक है 2.1 मान लीजिए, मैं राउंड फिगर में चल रहा हूँ, तो 2.0 समथिंग आएगा, मैं 2 ही मान लेता हूँ, कैलकुलेशंस वाला पार्ट अभी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज हो गया, पर एटम या पर मॉलिक्यूल में, बोलो यस और नो। ये 96.6 एक ऐसा फैक्टर है जो किलो जूल पर मोल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल में, कन्वर्ट कर दिया। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, 12400, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, 12400 अपॉन लैम्डा, तो 12400 अपॉन 4000, तो ये कितने से कट जाएगा आपके पास, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो यस और नो। तो इससे आपके पास जो रिमाइंडर एनर्जी है, यानी बची हुई एनर्जी है, वो कितनी आएगी, रिमाइंडर एनर्जी वो आएगी 3.1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, अगर ये सपोज 2.1 ही ले लेते हैं आप, तो ये 2.1 कितना आएगा बेटा, ये 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट, बोलो यस और नो। अब ये रिमाइंडर एनर्जी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन के एक एटम को या दोनों एटम को, दोनों को, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, 1.0 डिवाइडेड बाय 2 में बटेगी, तो कितना आ जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ गया बात समझ में, ये आपके पास आएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी, जिसकी लैम्डा निकालनी, और लैम्डा का फॉर्मूला है आपके पास अपॉन एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एमई, एच अपॉन ट्वाइस एमई, आप कोई भी शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन के लिए लगता है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम है। तब आपके पास क्या हो गया, एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6.62 × 10⁻³⁴ टू, एम की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है, एक ही तो प्रोटॉन है, 1.67 × 10⁻²⁷, हर चीज एम के एस में रखेंगे किलोग्राम में, और ई की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी चेंज कर लो भाइयों, तो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, सारा एम के एस में करना वापस जरूरी हो गया आपके लिए।
तो ये एक मोटा मोटा आपका आंसर आएगा, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो जो बचेंगी पावर उसको बाद में देख के आप अंगस्ट्रम में चेंज कर सकते हो। तो कुछ कुछ समझ में आया आपके पास, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। एक बार और समझाना है क्या, आ गया सबको, बोलो यस।